दो, यू बराबर एच वन एच टू अपॉन एच वन प्लस एच टू। अब हम मान लेते हैं एक फ्लूड है, पहला फ्लूड, और इसका हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है, मतलब एच वन का वैल्यू वेरी वेरी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एच वन को हम यहाँ से हटा सकते हैं, एच वन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या है, एच वन एच टू अपॉन एच टू बचेगा, एच टू से एच टू कट जाएगा। तो यू का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एच वन पे डिपेंड कर रहा है, समझ आ रहा है, एच वन बराबर यू। तो अब एच वन तो कम है तो यू का वैल्यू भी कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कम हो जाएगा, तो ये हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। इसीलिए हम फिन ट्यूब का यूज करते हैं, ताकि हम एक फ्लूड का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा सकते हैं, उसी फ्लूड को हम बाहर रखते हैं, उसी फ्लूड को कहाँ रखते हैं, हम बाहर रखते हैं, देखो उसी फ्लूड को हम बाहर रख देते, ताकि उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए और हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाए, दोनों यही बात है सरफेस एरिया बढ़ाने का। समझ में आ गया ना। और कुछ एक चीज है, चलो छोड़ो, हमने यार तुमको उसमें बहुत कम बताया है, जो पिछला वाला वीडियो बनाया है, ये सब हमने बफल के बारे में सब दिखाया ना, देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बफल ऐसे होता है, ये आधा काट दिया जाता है, यहाँ इतना दूर खाली रहता है ये वाला स्थान, यहाँ भर दिया गया खाली है, यहाँ से लिक्विड पास करता है, ये 25% जो होता है कट बफल होता है ना, 25% इसको काट देते हैं, सेगमेंटल बफल बोलते हैं इसको, और भी डिस्क टाइप बफल होता है, ऑरिफिस टाइप बफल होता है, कई तरह के बफल होते हैं। ये देखो ट्यूब पिच और ट्यूब क्लियरेंस होता है, एक होता है ट्यूब पिच, एक ट्यूब क्लियरेंस। अब जो वैसे जो लगा होता है ना, देखो दो ट्यूब इसमें से ले लो, ये ट्यूब है ना, जो ये किस में लगा हुआ है, ट्यूब सीट में लगा हुआ है ना, ट्यूब सीट में ये लगा हुआ है, ट्यूब ऐसे इसमें घुसाया गया। अब दो इसमें से ले लो, ये देखो ट्रेंगुलर है और ये क्या है, आयताकार, रेक्टेंगुलर है। ट्रेंगुलर में कम जगह होता है, आयताकार में ज़्यादा जगह बीच में होता है, इसमें जो प्रेशर ड्राप होता है ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर ड्राप कम होता है। तो इसमें हम कुछ ट्यूब पिच और ट्यूब क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो ट्यूब पिच क्या होता है, दो लिए एडजेसेंट, बगल बगल का दो ट्यूब लिए, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मापेंगे, तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा हमारा ट्यूब का पिच। क्लियरेंस मतलब कितना क्लियर है, कितना दूर दूर है, तो दोनों ट्यूब के परिधि से डिस्टेंस ले लेंगे, दो सटे हुए ट्यूब, ये नहीं कि एक इधर वाला ले लिया एक सबसे किनारे वाला, ऐसा नहीं, दो सटे हुए ट्यूब की जो बीच की दूरी होती है उसको क्लियरेंस बोलते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है। ठीक, ये सब हो गया, ये सब अब हम आपको बताएंगे प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर। ये देखो बहुत कम एरिया में अच्छा से अच्छा हीट ट्रांसफर करके देता है हम, ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देखो प्लेट लगाया गया है, और इधर से एक फ्लूड जाएगा, इधर नीचे से निकलेगा, एक इधर से नीचे से जाएगा, एक ऊपर से निकलेगा, दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और कैसे, ये देखो फ्रेम है, दोनों अलग अलग इसमें डाल दिए जाते हैं। अब हम ओरिजिनली समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक, अब हम कैसे जाता है अंदर बाहर उसको हम समझाते हैं। ये देखो ये प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर ऐसे होता है, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर देखो ऐसे होता है, कोई अच्छा सा फिगर नहीं मिल रहा समझाने के लिए, तो हम समझाते भी, हम गए थे इंडस्ट्री में देखे थे इस तरह, देखो लगा है तो बहुत है। देखो ये दिखा है थोड़ा सा, इसमें गैस्केट लगे होते हैं, देखो ये पतला सा अगर दिख रहा होगा ये वाला, देखो पतला सा इधर गया ऐसे गैस्केट, ये जो छिद्र है ना उसके तरफ काला पट्टी लगा देते हैं, बड़ा सा काला पट्टी होता है इसमें लगा देते हैं, उसको गैस्केट बोलते हैं, सारा जो प्रोसेस होता है इसी के थ्रू होता है। देखो यहाँ पे मिला एक फोटो, इसमें देखो गैस्केट बना है ये वाला ऐसे, लेकिन सही नहीं था। अब देखो यह है ना, प्लेट को हम दबा दिए, हीट ट्रांसफर एरिया तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम कम स्पेस में इसको अच्छा से कर सकते हैं। देखो ये दिया देखो, इसके गैसकेट लगा है ना, इसके चारों तरफ, इधर से फ्लूड आएगा तो इस पे अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर गैसकेट लगा है, और इधर में देखो इसमें इसके चारों तरफ गैसकेट नहीं लगा लेकिन इधर लगा, तो फ्लूड जो आएगा इस रास्ते ना इधर से निकल जाएगा बाहर,
लेकिन इसमें आएगा तो इसमें देखो फैलने लगेगा इधर, ये जो लिक्विड आएगा इधर से, क्योंकि इधर गैसकेट नहीं लगा, इधर जो दूरी जो है खाली है, तो इधर फैल जाएगा ये, तो इधर आएगा, और इधर आएगा तो यहाँ गैसकेट लगा बाहर निकल जाएगा। इधर देखो ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला फ्लूड, इस क्षेत्र में जो फ्लूड दूसरा जाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए गैसकेट लगा, तो ये इसमें नहीं आएगा, मतलब घुलेगा नहीं एक दूसरे, मिक्स नहीं होंगे, ताकि अलग अलग में इसको निकाल सके। एक फ्लूड आया इधर डिस्पर्स हो गया इस पे, और यहाँ पे देखो आके निकल जाए, क्योंकि यहाँ गैसकेट लगा इसमें नहीं घुसेगा, इधर से निकल जाएगा, और इधर से निकलेगा तो आगे बढ़ेगा। और ये वाला फ्लूड क्या है, इधर देखो ये वाला जो है इधर क्षेत्र में, इसके गैसकेट चारों तरफ लगा है, तो ये गैसकेट के कारण इसमें नहीं डिस्पर्स होगा, इधर आगे आ जाएगा। यहाँ देखो इसके इसके चारों तरफ गैसकेट नहीं लगा, तो इधर फैल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये फ्लूड आगे आएगा ऐसे, यहाँ पे देखो गैसकेट लगा, इधर से निकल जाएगा, जिसमें ये देखो गैसकेट नहीं लगा है यहाँ पे, इधर गैसकेट नहीं लगा है, तो ये डिस्पर्स होगा इधर। यहाँ देखो गैसकेट लगा, इधर गैसकेट नहीं लगा है, तो इसमें घुस के आगे बढ़ेगा। यहाँ पे गैसकेट लगा, इधर नहीं डिस्पर्स होगा, इधर वाला लिक्विड डिस्पर्स होगा, ये सबसे मेन चीज है। इसमें जो गैसकेट लगाते हैं तो उसके थ्रू पता चलता है कौन सा लिक्विड किस प्लेट पे डिस्पर्स होगा, कौन सा लिक्विड किस प्लेट पे फैलेगा। समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर। देखो अब के गवानी में जितने सारे चीज़ दिए हैं ना उसको बता रहे हैं अभी, बाकी इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये मेन मेन जितना था हमने बता दिया, एक दो और बचे हैं। अभी जब आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसमें कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर आपको बहुत लिखने पड़ेंगे। उसके लिए लैमला हीट एक्सचेंजर होता है, और तरह तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी में वही यूज किए जाते हैं, हर कंपनी में नहीं यूज किए जाते। स्क्रैप्ड सरफेस क्या होता है, अब देखो ये पाइप लगा है ना, ये ब्लेड लगा है, ब्लेड घूमता है, ये शाफ्ट है, इस पे ब्लेड घूमता है, इसमें एक फ्लूड रहेगा, और फ्लूड क्या होगा इस पे रहेगा, स्क्रैपर लगा, ये फ्लूड को खरोंचता है, मतलब दीवार में चिपकने नहीं देता है। इधर देखो एक मीडियम है, अंदर वाला फ्लूड अगर हॉट है तो बाहर का कूल्ड होगा, बाहर का कूल्ड है तो अंदर हॉट होगा, सॉरी बाहर का हॉट है तो अगर अंदर कूल होगा, अंदर हॉट है तो बाहर कूल होगा। ठीक, ये आउटर पाइप है, ये लेयर ऑफ इंसुलेशन लगाते हैं ताकि हीट का लास्ट ना हो, कब ना हो, जब यहाँ पे हार्ट फ्लूड डालते हैं तो उसको हीट लास्ट ना हो, इसीलिए इसको लगा देते हैं। ये इनर पाइप है, तो ये दोनों कांटेक्ट में जब आते हैं, ये वाला फ्लूड ये वाला, इसको घुमाते रहते हैं ताकि पूरे लिक्विड के जो हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड है उसके संपर्क में आता रहे। सुनने तो आ गया, इसमें वही लिक्विड हम डालते हैं, एक जैसे जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर था ना, उसमें उसी में अंदर वाले पाइप को हम सेफ्ट मान लेते हैं, उसके अंदर स्क्रैपर लगा देते हैं ताकि वो घूमता रहे, और जो पाइप रहता है ना अंदर वाला, दो पाइप होते हैं साइलेंट ट्यूब में, तो अंदर वाला पाइप में ही स्क्रैप सरफेस लगाते हैं, उसको घुमाते रहते हैं लगातार, इसीलिए इसको स्क्रैप्ड सरफेस बोलते हैं। और इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे विस्कस लिक्विड हो, अगर मान लो विस्कस लिक्विड है तभी तो ये चिपकेगा, और विस्कस लिक्विड को ये फैलाने के लिए स्क्रैपर लगा होता है अलग अलग करने के लिए, है ना, इसीलिए इसको यूज करते हैं। ये लो वेलोसिटी पे काम करता है, और इसका एक चीज़ और है कि जब लिक्विड में सस्पेंशंस होते हैं, अभी बताया विस्कस होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्यूशन होता है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ऑरेंज जूस वगैरह हो गया, हाई कंसंट्रेशन पैराफिन हो गया, वैक्स प्लांट, ये सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक, और इसके बाद आता है ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हमको क्रोसिव लिक्विड को हैंडल करना है, क्रोसिव मतलब समझ रहे, क्रोसिव लिक्विड को जब हैंडल करना हो तो वहाँ पे ग्रेफाइट हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी चालकता जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, चालकता कंडक्टिविटी, हीट का ट्रांसफर बहुत तेजी से करता है। इसको क्यूबिक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिक हीट एक्सचेंजर टाइप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं इसको, है ना। इसमें पैरेलल्स होल देखें, ये देखो ग्रेफाइट हीट एक्सचेंजर है, ये क्या है एक ब्लॉक की तरह है, तो यहाँ पे देखो ऊपर से छिद गया, इसके नीचे नीचे ऊपर नीचे जो कर देते हैं, इधर से एक फ्लूड जा रहा है, इधर से दूसरा फ्लूड, इधर से एक फ्लूड जा रहा है, इधर से दूसरा फ्लूड, हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं इसको। अब एक एक फिगर दिखाते हैं, ओ ग्रेफाइट हीट एक्सचेंजर इमेज, ये देखो इस तरह से भी ग्रेफाइट हीट से, अरे यार क्या है, इस तरह से भी ग्रेफाइट हीट एक्सचेंजर बनाया जाता है, सेलन ट्यूब की तरह लग रहा है लेकिन ये पूरा ग्रेफाइट का बना होता है सब। ये देखो ग्रेफाइट का ये किस तरह से बना हुआ है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है,
ट्यूब जो बनाते हैं ये देखो, इसको ऐसे करके इसमें जोड़ देते हैं एक दूसरे से, बन जाता है देखो। ये देखो इस तरह से बना हुआ है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक करके जोड़ देते हैं एक में। ये देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का ही सारा मटेरियल का बना होता है, क्योंकि इसको जब बहुत ज़्यादा क्रोसिव लिक्विड हो ना, तो उसको यहाँ पे यूज करने में आसानी होती है हमको। एक दो टाइप के और हैं, जैसे हम बता रहे हैं ना, उसमें देखने को मिलेगा आपको प्रोजेक्ट में, तो हमने प्रोजेक्ट में बना रखा है उसको, तो हम उसको दिखा देते हैं थोड़ा करके। हैं ये देखो स्पाइरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, देखो ये तो बड़ा हो गया, फोन में ही दिखा देते ना, स्पाइरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम आपको दिखा देते हैं। स्पाइरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर इस तरह से होता है, स्पाइरल ट्यूब देखो, दोनों को अलग अलग जाने का रास्ता होता है ना, एक खांचे में पहला जाएगा, दूसरे खांचे में दूसरा लिक्विड जाएगा, इसी तरह अलग अलग होता है हीट का ट्रांसफर, एक जगह डालते हैं दूसरी जगह निकाल लेते हैं। ये सब देखो इस तरह से बना हुआ है, ये देखो बना हुआ, एक रेड वाला फ्लूड है, एक हॉट, एक ग्रीन वाला, ब्लू वाला है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट लगे होते हैं। देखो यहाँ से एक डाल रहे हैं कोल्ड इन, एक सेंटर से निकल रहा है, एक सेंटर से डाल रहे हैं तो एक परिधि से निकल रहा है, ठीक। ये हो गया स्पाइरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर। दूसरा आता है लैमेला हीट एक्सचेंजर। लैमेला में जो ट्यूब बनाया जाते हैं ना, सेलेंडर हीट एक्सचेंजर में पतले पतले सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाए जाते हैं लंबे लंबे, लेकिन इसमें देखो जो बनाए जाते हैं लैमेला वाले में, इसमें जो ट्यूब बनाए जाते हैं पतले पतले, वो जैसे नहीं होता है आयता, रेक्टेंगुलर बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर हम लिख देते हैं इसलिए, देखिए आता है कि नहीं, लैमेला हाँ देखो आ तो गया। ये पतले पतले इस तरह से ट्यूब बनाए जाते हैं, जैसे प्लेट और फ्रेम का होता है इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन ये देखो सही दिखाया गया, इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल बना हुआ है ना, सेम ऐसे बनाया जाते हैं, ये देखो इसको लैमेला बोलते हैं। अंदर अंदर देख रहे हो ना, अंदर छिद्र है, बाहर सब सेल है, बाहर का देखो इस तरह अंदर सब बना हुआ है, ये प्लेट फ्रेम है, ये देखो लैमेला दिया इस तरह से, तो है ना, ट्यूब सीट है, इसमें देखो गोल गोल लगा रहेगा, सेलेन ट्यूब होगा और वो ट्यूब सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पे ट्यूब क्या है इस तरह आयताकार बनाया गया है ना, यहाँ देखो ये बनाया गया, ये पतला पतला जगह है, इस तरह से इतना लंबा लंबा जगह है, ये होता है लैमला लैमला हीट एक्सचेंजर। एक आता है प्रिंटेड सर्किट हीट एक्सचेंजर, बीच में एक फोटो आया था शायद इसका, प्रिंटेड सर्किट लोग खोल देते हैं, इस तरह होता है प्रिंटेड सर्किट, देखो इस तरह से लिक्विड ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे घूम के हुए एकदम सांप की तरह जाता है लिक्विड, ये देखो लैमला ट्यूब हीट एक्सचेंजर, लैमला हीट एक्सचेंजर, सॉरी लैमला नहीं, प्रिंटेड सर्किट, ठीक। हाँ तो इस तरह से इतने सारे हीट एक्सचेंजर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, तो ये सब तो लैमला वगैरह जो बताया, प्रिंटेड सर्किट बताया, तो आगे आपको अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लीजिएगा, और जब आप लोग पढ़ लेंगे ना, ये फिफ्थ तो सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा पीईडी, सबसे अच्छा चीज़ होता है, आप लोग पहले ही जाके वहाँ पे हीट एक्सचेंजर डिस्टिलेशन या जो भी हो, बहुत ज़्यादा यूज होता है ना इंडस्ट्री में, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, हीट एक्सचेंजर तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, अपने कॉलेज में जाके मिल के आप वहाँ पे आप मांग सकते हैं कि कह सकते हैं वहाँ पे कि जैसे मांग सकते हैं ना, शुरुआत में जाओगे तो कुछ भी जो टीचर रहेगा पढ़ाने, मतलब जो चीज़ मांगोगे जिस पे तुमको प्रोजेक्ट करना है वो मिल जाता है आसानी से शुरुआत में, लास्ट में जाओगे तो जो बच्चा खुचा रहेगा वही मिलेगा, और मनपसंद नहीं मिल पाएगा, इसीलिए पहले से उसका तैयारी करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना मतलब एक तुम किताब लिख रहे हो, देख के लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका नॉलेज होना चाहिए जो लिख रहे हो, तो उसको जरूर करना एकदम मन लगा के, बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत लोग होते हैं नहीं करते हैं,
गलत बात होता है, उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो जो बन गया, अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।